भाई हर सुपरमार्केट में आपको ड्रिंक अवेलेबल रहेगी। वोडका बहुत पीते हैं यहाँ पे लोग क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है। तो आलू गोभी, एक दाल, पनीर की सब्जी, थाली 2400 टेंगे और जो पकौड़ा मंगाया था उसका था 800 टेंगे। तो भाई साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सुबह के भाई बजे है 10 और निकल रहा हूँ मैं सुबह सुबह एक घोस्ट टाउन में जो कि अलमाटी है। और इतने सुबह सुबह यार पूरे रास्ते खाली है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। इक्के दुक्के गाड़ियाँ दिख रही है खाली, कुछ कुछ एरिया काफ़ी बिजी है बट ये एरिया स्पेशली पूरा खाली खाली दिख रहा है मुझे। एक्चुअली मैं अभी इतने सुबह जा रहा हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट, 4-5 दिन हो गया यार इंडियन फूड खाया ही नहीं मैं, यही के लोकल फूड पे जिंदा हूँ। कजाकिस्तानी फूड्स काफ़ी ट्राई किया मैं, स्पेशली यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाते हैं लोग। और इसके अलावा एक शवरमा होता है, शवरमा एक्चुअली काफ़ी थीक होती है रोटी, बट यहाँ पे शवरमा के टाइप का ही एक काफ़ी पतली अपने तरफ एक रुमाली रोटी होती है। रुमाली रोटी टाइप ही एक बड़ा सा रोल देते हैं, उसमें मीट, फ्रेंच फ्राइज, ओनियंस, टोमेटोस सब मिक्स करके एक रोल बना के देते हैं वो लोग। और एक खाने से काफ़ी इनफ है, मीन्स पूरा पेट भर जाए। 4-5 दिनों से उसी तरीके के फूड खा के ज़िंदा हूँ, तो आज सोचा कि यार चलो काफ़ी दिन बाद इंडियन फूड खाया जाए। तो 2-3 यहाँ पे रेस्टोरेंट है, एक सलाम नमस्ते एक इंडियन रेस्टोरेंट है बट वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके अलावा एक गोविंदास रेस्टोरेंट कैफ़े एक नाम का है, तो देखते हैं वहीं पे जा रहा हूँ मैं अभी। एक्चुअली एक बस ने मुझे ड्रॉप कर दिया, पता नहीं यार इस बार कैसी गलत हो गया है, ऐप का मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मैप से, मीन्स आप जिस भी लोकेशन पे हो आपको पता चल जाएगा कि नियरेस्ट बस स्टॉप कहाँ पे है और आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उस डेस्टिनेशन के लिए आपको कौन सी बस पकड़ना है, तो यह पूरा बता देता है। बट पता नहीं, मुझे हॉस्टल से बता रहा था कि 141 बस मुझे पकड़ना है और उस गोविंदास रेस्टोरेंट की तरफ मुझे छोड़ देगा, बट मैं गलत रास्ते पे पहुँच गया, उस बस ने मुझे कुछ अलग ही स्टॉप पर छोड़ दिया। खैर कोई नहीं, यहाँ से और मुझे 700-800 मीटर चलना है और एक दूसरी बस पकड़नी है जो कि यहाँ से और 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो गोविंदास रेस्टोरेंट। तो बस वहीं पे जा रहा हूँ मैं अभी। और कुछ यूँ है नज़ारा यहाँ का, रास्ते यार पूरे सुनसान है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं। कुछ कुछ एरिया खैर काफ़ी बिजी है बट स्पेशली ये एरिया कुछ खाली खाली दिख रहा है, पर दुकानें वगैरह पूरे खुल गए हैं। डोर क्लोज रहता है बट एक्चुअली वो खुला है, ठंड के वजह से डोर वगैरह क्लोज करके रखते हैं लोग। एक छोटा सा पार्क जहाँ पे एक दो बच्चे कुछ खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया है यार ये, मीन्स हर चीज़ बता देता है, हर एक घर का एड्रेस आपको ये मैप बता देगा, जिस भी घर आपको जाना है वो सब उस घर का नंबर, एक्चुअली हर हाउस का एक नंबर होता है, वो उस लोकेलिटी का नाम और उस हाउस नंबर वो डालने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बस पकड़नी है, और आपको बिल्कुल जो हाउस का नियरेस्ट बस स्टॉप रहेगा वहीं पे आपको ड्रॉप करके देगी वो बस। तो बहुत बेहतरीन ऐप है ये, 2GIS नाम है इस ऐप का। तो सेंट्रल एशिया में पूरा यही ऐप यूज़ होता है, आप खाली जिस भी सिटी में उस सिटी का आपको मैप डाउनलोड करना है तो पूरा उस सिटी का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस मैप के थ्रू, इस ऐप के थ्रू। तो एक पहुँचा हुई एक स्क्वायर के तरफ और शायद मुझे जाना है इस डायरेक्शन में एक बस स्टॉप के तरफ। तो भाई कुछ व्यू है सुबह का नज़ारा और हर स्क्वायर पे आपको ये दिखेगा अभी ग्रीन सिग्नल लग गया, मतलब ये है कि मैं अभी वॉक करते हुए रास्ता क्रॉस कर सकता हूँ और दोनों साइड से जो गाड़ी आएगी वो रुक जाएगी। इनका ट्रैफिक सिस्टम भाई बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा ट्रैफिक सिस्टम है, और मेन है कि सब कोई बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करता है इन चीज़ों को। ओह अभी मुझे इस साइड में जाना है ना, अभी देखिए अभी यहाँ पे ग्रीन लग जाएगा, गाड़ियाँ रुक गई है और मैं अभी वॉक करती हूँ। इवन कहीं सपोज सिग्नल भी नहीं, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, वो सबसे पहले जो पैदल चल रहे उनको अलाउ करेगी आप पहले निकलिए हम रुक जाते हैं, तो इस तरीके का कुछ हैबिट है यहाँ के लोगों में।
व्हीलर बहुत कम दिखेंगे, और जो भी स्पेशली जो टू व्हीलर्स यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशली डिलीवरी बॉयज ही रहेगा, बाकी किसी के पास ऐसे टू व्हीलर दिखती नहीं है जनरली, यहाँ पे फोर व्हीलर ही दिखेगी। आप देख रहे होंगे रास्ते में इतने देर से आपको एक भी टू व्हीलर दिखी नहीं होगी यहाँ। तो भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग कोई सिक्योरिटी पर्सनल, एक आर्मी का बंदा जा रहा है कजाक। ओह यहीं पे कहीं तो भी होना चाहिए बस स्टॉप, मैप तो यही दिखा रहा है। ये छोटा सा सुपरमार्केट नॉर्जिया, जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा दिखती है यहाँ पे, और पूरे फल फ्रूट। चलो देखते हैं क्या क्या फ्रूट्स है यहाँ। ये भाई कुछ नया दिख रहा है, ये तो है अपने पास इंडिया में भी है। एप्पल की वैरायटीज यहाँ पे काफ़ी सारे दिख जाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग एप्पल, अलमती इज नोन फॉर एप्पल्स, एप्पल फेमस, एप्पल इज फेमस है। यस यस हाँ हाँ। तरबूज, केले, ऑनियन देखिए, एक एक किलो का एक ऑनियन। ओवेगाडो भी है यार यहाँ पे, ओवेगाडो, कैबेज, पम्पकिन, दिस इज ग्रेप्स। ये बंदा यहाँ पे शायद यू आर वर्किंग हियर। इट्स अ बिग सुपर मार्केट। दैट्स गुड सुपर मार्केट काफी मिल जाएंगे यहाँ पे, और स्पेशली ये भाई हर सुपर मार्केट में आपको ड्रिंक अवेलेबल रहेगी, हर सुपर मार्केट में वाइन्स, वोडका बहुत पीते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि ठंड काफ़ी रहती है तो बिना वोडके का इनका चलेगा नहीं। ओके ओके गुड बाय हैव अ नाइस डे। तो ये था छोटा मार्केट, और बढ़ रहा हूँ अभी अपने बस स्टॉप की ओर, जो कि अभी तक मुझे मिला नहीं है। पता नहीं यार मेरा मैप आज काम नहीं कर रहा है क्या सही से, कि मेरा बैलेंस तो ख़त्म नहीं हुआ है। 4GB डाटा मिला था मुझे रिचार्ज में, सिम लेने के बाद स्पेशल और रिचार्ज मुझे लेना पड़ा डेटा के लिए। कभी वॉक करते हुए डायरेक्ट रेस्टोरेंट ना पहुँच जाऊँ मैं, वैसे आज एक्चुअली मैं थोड़ा वॉक करना थोड़ा अवॉइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि भाई मैं शेम्बुलक गया था टॉप पे, करीबन 2,500 से 3,000 मीटर के हाइट पे बेस से, तो आप समझ सकते हो कि बहुत वॉक हुआ था। तो इसके वजह से मैं आज थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं तो यार 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो मैं इजीली चल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई एक और एक स्क्वायर आया हुआ है, अभी नंबर आप देख पा रहे होंगे 5, 4, 3, 2, 1, सो यू आर गुड टू गो। और भाई ये इलेक्ट्रिक साइकिल, मेरे पास सपोज़ ऐप होता, इस ऐप से मैं रिचार्ज कर देता और डायरेक्ट निकल जाता जहाँ पे भी मुझे जाना है। तो ये आपको कहीं पे भी दिखेगी स्टैंड बाय में, जस्ट आप एक्टिवेट करिए और लोकेशन डालिए, चले जाइए और छोड़ के चले जाइए इस साइकिल को। ये देखिए उधर में पड़ी है, ये भाई कुछ कैफ़े और बार टाइप दिख रहा है ये। इंटीरियर इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है, मीन्स देखने में मज़ा आ जाता है, जिस तरीके से वो इंटीरियर अपना डिज़ाइन करते हैं बेहतरीन। ठीक मेरे आगे जो एक ग्रैंड बिल्डिंग देख रहे हो, ये भाई क्या हो सकता है, कुछ गेस कर सकते हो आप? ये कजाक और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में बनी हुई एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो भाई देखिए यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन, और ऊपर में कजाक का फ्लैग, कोलैबोरेशन में बना है तो वैसे ब्रिटिश का भी फ्लैग होना चाहिए था साथ में। ये भाई अस्ताना स्क्वायर है मेन अलमती सिटी का, काफ़ी अच्छा है यार दिखने में, बहुत खूबसूरत लग रही है बिल्डिंगें।
फाइनली आ गया, बस मिल गई थी तो रेस्टोरेंट के आसपास ही पहुंच गया हूँ मैं। बट यहाँ पे कैसे रेस्टोरेंट हो सकता है, अरे पूरा रेसिडेंशियल पूरा बिल्डिंग दिख रहा है मेरे को चारों तरफ, ये तो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस दिख रहा है मुझे, पता नहीं ये पर यहीं पे कहीं तो भी मुझे ये दिखा रहा है मैप शायद, आगे कहीं तो भी होना चाहिए भाई साहब। ये आ गया अपना गोविंदा रेस्टोरेंट, इतने अंदर यार ट्रेस करना मुश्किल हो गया इस रेस्टोरेंट को। चलो देखते हैं, बंद है क्या? ये बंद नहीं है, खुला है। हेलो, इज रेस्टोरेंट ओपन? तो भाई ये है टिपिकल इंडियन रेस्टोरेंट, और भाई जैसी नाम है वैसी फोटोग्राफ्स है गोविंदा रेस्टोरेंट के, इसमें पूरे गोविंदास के फोटोज। पर अच्छा यार इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। यू आर कज़ाक? हाँ, यू आर फ्रॉम रशिया? ओके, ओपन तो है बोल रहे। वेयर शुड आई सिट? हियर? पनीर पराठा। व्हाट इज देयर इन द थाली? मे बी आई कैन वेट बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू हैव इंडियन फूड। दिस इज होल थाली 3000 टेंगे। व्हाट इज दिस वन? इट्स रेगुलर गोविंदा। इट्स रेगुलर, व्हाट इट हैज एक्स्ट्रा? सलाद एंड डेजर्ट। सलाद एंड डेजर्ट, ओके। ये भाई लेमन टी, इससे पहले पकौड़ा मंगाया था बट बहुत ऑयली था, खाया ही नहीं मैं, वापस भेज दिया। इंडियन सुन के पता नहीं इन लोगों के दिमाग में आता है कि शायद इंडियन है तो यानी बहुत ऑयली खाता होगा, बहुत मसालेदार खाता होगा, बट ऐसी नहीं है यार, कोई कोई है जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं खाता है। एक दो पीस खाया फिर वैसे रिटर्न भेज दिया मैं। फिर अभी ये लेता हूँ लेमन टी। अदरक का तगड़ा फ्लेवर है भाई। तो भाई साहब ये आ गई हमारी थाली जिसमें आलू गोभी, एक दाल, पनीर की सब्जी, राइस और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये आलू का ही कुछ आइटम दिख रहा है ये तो, और साथ में ये कुछ जूस टाइप इन्होंने दिया हुआ है। तो ये रही भाई थाली। रोटी यार एक ही रोटी है खाली, इसमें एक रोटी दिया है, ठीक है जो भी मिले। बहुत दिनों बाद इंडियन फूड खाने को मिल रहा है तो चलो शुरू कर रहे हैं। आलू गोभी की सब्जी बढ़िया है, इवन यहाँ के जो कुक है वो इंडियन नहीं है, यहाँ के लोकल लोग ही है जो कुक कर रहा है। इसको कॉस्ट जो पड़ा है मुझे 2500, 2500 टेंगे, इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो करीबन 500 रुपये की थाली पड़ी है भाई, काफ़ी महंगी है यार, बहुत महंगी है। सब फाइनली हो गया है हमारा खाना और ये आ गया है बिल। मैं मंगाया था एक थाली, एक जिंजर टी और पकोड़ा फुल प्लेट, तो भाई इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा है थाली 2400 टेंगे, टी 550 और जो पकोड़ा मंगाया था उसका था 800 टेंगे, टोटल 4675 यानी कि अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो 800 रुपये। तो भाई काफ़ी महंगा है यार खाना यहाँ पे, काफ़ी महंगा है।
फिर भी तो ये तो सस्ता वाला ही रेस्टोरेंट था, और जो मैं बताया था एक सलाम नमस्ते, वो तो और भी महंगा रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। खैर कोई नहीं, काफ़ी दिनों के बाद एक इंडियन फूड खाने को मिला मुझे, यही बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है, अभी हो गई है पेट पूजा, और देखता हूँ अभी और क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि मैं वापस अपना हॉस्टल जाऊँ या फिर और थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करूँ। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।